नौ से पैदल चलकर लखनऊ जा रहा है पीड़ित। लेखपाल द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत कर रहा युवक गले में तख्ती टांग कर न्याय की मांग कर रहा है। युवक कन्नौज के गुरसहायगंज रसूलपुर का निवासी है युवक, जो न्याय की मांग में गले में तख्ती डालकर लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। वो पैदल लखनऊ आ रहा है। न्याय की आस में पैदल आया युवक लेखपाल के द्वारा जमीन के कब्जे के चलते कब्जाने की शिकायत को लेकर न्याय की मांग में कन्नौज से पैदल लखनऊ युवक आया है। न्याय की उम्मीद लगाकर कन्नौज से पैदल लखनऊ जा रहा युवक। संवाददाता अनुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराज, ये जो युवक है जो कन्नौज से लखनऊ पैदल जा रहा है, क्या न्याय की उम्मीद रखता है और क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देर रात का पूरा मामला है जब एक युवक गले में तिकती लटकाकर उसमें न्याय की गुहार लगाने की बात लिखता हुआ जाता दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे रोककर पूछा तो उसने बताया कि कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र का वो रहने वाला है, जहां उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और तहसीलदार और SDM की रिपोर्ट के बाद भी उसकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई जा रही है। जो पूर्व लेखपाल है उसने भी रिपोर्ट लगाकर दी कि उसकी जमीन पर कब्जा है और उसे मुक्त कराया जाए, जिला प्रशासन द्वारा उसे जमीन नहीं दिलवाई जा रही है वापस। इसी न्याय की आस को लेकर वो मुख्यमंत्री के पास जा रहा है और पैदल जाते हुए देख लोगों ने उसे रोका। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री से अब वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए गुहार लगाएगा। लगातार उसकी जमीन पर लोग कब्जा किए हुए हैं और उसकी जमीन उसे वापस नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनुराज। फिलहाल